बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने किरचॉफ्स लॉज हमने पढ़े हैं, कुछ हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट पे कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम आगे लेक्चर्स में और लेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या पढ़ना है देखें बेटा, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर में हमारा ये लास्ट डिस्कशन है, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें हमने क्या पढ़ेंगे हम, वी विल स्टडी व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड देन मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज पढ़ना है हमने इसमें। फिर हमने पढ़ना है बच्चों इसमें गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्टमीटर, इनको कैसे हम बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से हमने अमीटर एंड वोल्टमीटर कैसे बनाने हैं ये देखेंगे हम। और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पोटेंशियोमीटर। ये हमारा डिस्कशन है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इतने इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नाउ सबसे पहले देखते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज कहाँ करते हैं। यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल हम किसी भी कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में कर रहे होते हैं। अगर ये कोई कंडक्टर है, मैंने इसका रेजिस्टेंस पता करना है, तो इसके रेजिस्टेंस को जो मेज़र करेगा वो कौन करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर हम सर्किट देखें तो इसका जो सर्किट डायाग्राम है व्हीटस्टोन का, तो ये बेटा इसका सर्किट डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसमें ये पी एंड क्यू, ये जो दो आर्म्स हैं, ये पी कॉमा क्यू, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ये हमारी कहलाती है रेशियो आर्म्स। दीज टू आर्म्स पी एंड क्यू रेजिस्टेंसेस, दीज टू आर्म्स आर कॉल्ड रेशियो आर्म्स ऑफ नोन रेजिस्टेंसेस। पी एंड क्यू नोन रेजिस्टेंसेस, ठीक है। इनके रेजिस्टेंसेस पी एंड क्यू हमें नोन हैं। ये जो आर है हमारा, यहाँ पे जो आर है, यहाँ मैंने बॉक्स जैसा बनाया है। बॉक्स जैसे बनाने का मतलब आर जो है ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है या वेरिएबल रजिस्टर। आर इज़ द वेरिएबल रजिस्टर, बहुत ध्यान से सुने मेरी बात को। एंड एस अननोन रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एस वो रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है, जो हमें निकालना है। यहाँ पे हमने उस कंडक्टर को कनेक्ट किया है जिस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर निकालना है, ठीक है। एस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हम क्या करते हैं इस सर्किट में, इस सर्किट में हम ये जो है ये बीडी इज़ द गैल्वेनोमीटर आर्म, बीडी इज द गैल्वेनोमीटर आर्म, इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का काम होता है, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। क्या काम है गैल्वेनोमीटर का, यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, ठीक है। करंट को मेजर नहीं करता, करंट को मेजर करने का काम किसका है, अमीटर का है। करंट कितनी फ्लो कर रही है यह अमीटर बताता है,
और गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि आइदर करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस आर्म और नॉट, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो दिस मीन्स दैट कि इस बीडी आर्म में करंट गई, और गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो दिस मीन्स दैट कि नो करंट फ्लोज थ्रू दिस आर्म, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ये पी एंड क्यू हमारे नॉन रेजिस्टेंसेज हैं, रेशियो आर्म्स कहलाती हैं, आर वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, एंड एस अननोन रेजिस्टेंस है। नाउ वैल्यू ऑफ आर इज सो वेरीड, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ से इस आर की वैल्यू को हम वेरी करते चले जाते हैं, वेरी करते हैं धीरे धीरे, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज सो वेरीड अंटिल द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तब तक वेरी करेंगे इस रेजिस्टेंस को जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर के निडल में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, और जब गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस आर्म में कोई करंट नहीं गई। इन दिस केस ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो बैलेंस ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं तो यहाँ बैटरी से करंट निकलेगी आई, तो करंट जब यहाँ पहुँचेगी बच्चों, तो यहाँ पहुँचने के बाद दो जगह डिवाइड होगी करंट, यहाँ पे करंट गई मान लो आई वन और यहाँ पे करंट गई आई टू। चूँकि बैलेंस कंडीशन में मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, बैलेंस कंडीशन में इस आर्म में कोई करंट नहीं है तो इस पॉइंट पे करंट का डिवीजन होगा नहीं, ये पूरी की पूरी आई वन करंट या इस रेजिस्टेंस से पास कर जाएगी, क्यों ये आई वन यहाँ से पास कर जाएगी, ये जो करंट आई वन आ रही होगी ये सीधे ऐसे पास कर जाएगी, और जो आई टू आ रही होगी वो सीधे ऐसे पास कर रही होगी, ठीक है। ये I1 I2 ऐसे करंट पास कर रहे होगी, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस आर, Ig इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जो होगी वो क्या होगी, जीरो, क्लियर। क्या बताया मैंने, क्या कहा मैंने कि वैल्यू ऑफ आर इज सो वेरीड अंटिल द निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर does not show any deflection. This needle of the galvanometer does not show any deflection. In this case, जब needle of the galvanometer कोई deflection show नहीं करेगी, in this case, bridge is said to be balanced. In this case, bridge is said to be balanced. ठीक है, तो बैलेंस होने का क्या मतलब हुआ, करंट नहीं, इस आर्म में करंट नहीं जा रही है, दिस मीन्स दैट कि ये बी और डी जो जंक्शन है इनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर जीरो है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट का फ्लो नहीं कर रहा होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, ये जंक्शन बी और जंक्शन डी सेम पोटेंशियल पे होंगे, इन बैलेंस कंडीशन बी और डी का वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ, सो इन बैलेंस कंडीशन वी बी इज इक्वल टू वी डी, VB is equal to VD. Potential at B is equal to potential at D. B or D का potential क्या होगा? Same. And IG is equal to zero. No current will flow through the galvanometer. IG क्या होगा यहाँ से? Zero. ठीक है बच्चों? जब IG zero होगा, यहाँ से कोई current नहीं जा रही होगी, ठीक है? तो अब हम मैं यहाँ पे मैं ये now Now, VA minus VB, VA minus VB, VA minus VB is equal to होगा VA minus BD, VA minus BD, क्यों? Because B and D are at same potential, ठीक है? IP के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और R के जो टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, because potential at B and potential at D are same. तो B और D पे पोटेंशियल सेम है,
जब B और D पे पोटेंशियल सेम है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ इसके टर्मिनल्स पे VA माइनस VB, और इस पे कितना हुआ VA माइनस VD, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ओम्स लॉ लगाओगे V इज इक्वल टू आई आर, तो ये कितना होगा I1P और ये कितना होगा I2R। इक्वेशन वन, ठीक है। नाउ VA सिमिलरली VB माइनस VC किसके इक्वल होगा देखो तो बच्चों VD माइनस VC के, बिकॉज B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल। VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC, ठीक है। और VB माइनस VC कितना होगा I1P, ठीक है। एंड VD माइनस VC कितना होगा I2S। ये हो गई हमारी इक्वेशन टू, ठीक है। नाउ इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू करो। नाउ इक्वेशन वन अपॉन, जब आप इक्वेशन टू करोगे तो यहां से आपका आएगा आई वन पी अपॉन दिस इज आई वन क्यू, वी बी माइनस वी सी इज वी बी माइनस वी सी इज आई वन क्यू, ठीक है। आई वन क्यू बच्चों, यहाँ पे मैंने जो है पी लिख दिया था, तो वी बी माइनस वी सी इज आई वन क्यू। तो क्या आएगा बच्चों, ये इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू करोगे आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू एस, आई टू आर अपॉन आई टू एस। तो आई वन से आई वन कैंसिल होगा, आई टू से आई टू कैंसिल होगा, तो आपका क्या रिलेशन आ जाएगा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये क्लियर है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी कि दिस अपॉन दिस, ये रेशियो आर्म्स P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इस फिफ्थ आर्म में कुछ भी कनेक्टेड होगा, कोई रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड हो या कैपेसिटर कनेक्टेड हो, तो इस फिफ्थ आर्म में उस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, उस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं यहां से। नाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बच्चों इसके इस सर्किट के अगर अदर फॉर्म्स देखें हम, तो मैं ये बी सी डी, ये बी सी डी इज ए ट्रायंगल, ठीक है। ये बी सी डी ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ किया सर्किट को ड्रॉ करने के, व्हीटस्टोन ब्रिज के कई सारे तरीके हैं। ये आपका बी है जंक्शन, ये आपका डी है, ये आपका सी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यू है और ये रेजिस्टेंस आपका एस है। यहाँ से दो रेजिस्टेंस जा रहा है, जरा देखें बी और डी से दो रेजिस्टेंस जा रहा है पी एंड आर, कहाँ पे ए पे, तो पी एंड आर ए पे जा रहे हैं, पी एंड आर, और फिर यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये पी एंड आर जो है इसको जंक्शन को यहाँ से पकड़ के इसको अंदर को पलट दूँ, ठीक है, अंदर को फोल्ड कर दूँ इसको। जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो मेरा सर्किट जो है यहाँ कैसा फॉर्म हो रहा होगा, देखो वायर हैं, वायर को फोल्ड किया जा सकता है जैसे चाहे, ठीक है। ये पी है और ये आर है, ये ए है, इसको उठा के वापस ओपन कर दो, इसे उठा के इधर पलट दो, ठीक है। जब इसे उठाकर इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, सेम सर्किट बन रहा होगा आपका। ये तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैटरी कहाँ कनेक्टेड होगी, यहाँ पर कनेक्टेड होगी आपकी बैटरी, ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सेम हैं,
ठीक है, ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सेम है। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ऐसा सर्किट गिवन हो आपको कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो इस R में कुछ भी कनेक्टेड होगा रेजिस्टेंस, उसको हटा दोगे। जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस को रिमूव करोगे, जब तक ये आर्म रिमूव नहीं होती, तो यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है। लेकिन इसके रिमूव होते ही, इस आर्म के रिमूव होते ही क्या होगा, इसके रिमूव होते ही ये होगा कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे और कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, अगर इस आर्म में करंट फ्लो कर रही है तब हम इस सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते इजीली। तो इस आर्म में अगर करंट फ्लो कर रही है तो सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फिर अब हमें किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस सर्किट है तो बहुत इजी है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बहुत इजी है, क्लियर। तो अब हमारे पास देखें जरा नेक्स्ट, ये टर्मिनल कौन सा था हमारा, ए एंड दिस इज सी। ए एंड सी से बैटरी कनेक्टेड होंगी, ठीक है, दिस इज सी, ए बी सी एंड डी, दिस इज पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये व्हीटस्टोन है तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अगर आपसे ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहता है, इन दो टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करवाता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दोगे। जैसे आप रिमूव करोगे इसको तो P एंड Q सीरीज में आएंगे, R एंड S सीरीज में आएंगे और कॉम्बिनेशन किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। ठीक है, सिमिलर सर्किट है, इस जंक्शन को पकड़ के ऐसे खींच दोगे तो बिल्कुल सेम सर्किट बन जाएगा। इन दोनों जंक्शन को पकड़ के जब ऐसे सीधा कर दोगे तो बिल्कुल सेम वैसा सर्किट बन जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। नाउ नेक्स्ट सर्किट इज बैटरी एंड गैल्वानोमीटर आर्म्स, बैटरी एंड गैल्वानोमीटर आर्म्स आर इंटरचेंजेबल। जो बैटरी और गैल्वानोमीटर आर्म्स हैं यहाँ व्हीटस्टोन में, ये इंटरचेंजेबल हैं, मींस वो आपका सर्किट आपको गिवन है और सर्किट अगर आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दिया जाए यहाँ बैटरी कनेक्टेड हो और यहाँ गैल्वानोमीटर जोड़ दे, ए बी सी डी P Q R S, ठीक है, ये भी व्हीटस्टोन सर्किट है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S सेटिस्फाई हो रहा होगा तो इस गैल्वानोमीटर को रिमूव कर दोगे। ठीक है, इस गैल्वानोमीटर को यहाँ से रिमूव कर दोगे। जैसे रिमूव करोगे तो P और R सीरीज में आएंगे, Q और S सीरीज में आएंगे, कॉम्बिनेशन पैरेलल में आएगा। जैसे आप यहाँ से इसको रिमूव करोगे तो ये आपका सर्किट बचेगा। ठीक है, इसको रिमूव कर दोगे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S सेटिस्फाई हो रहा हो तो गैल्वानोमीटर एंड बैटरी जो आर्म्स हैं यहाँ इंटरचेंजेबल हैं। अगर इंटरचेंज कर दें दोनों आर्म्स को तो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है, मान लो सपोज ये दो आर्म में कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, दो आर्म में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। अगर चारों आर्म में कैपेसिटर कनेक्टेड हैं यहाँ पर C1, C2, C3, C4, तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। जैसे यहाँ कंडीशन थी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, वैसे ही बैलेंस कंडीशन आएगी। लेकिन ऐसा अगर मिक्स सर्किट है तो इस मिक्स सर्किट की बैलेंस कंडीशन क्या होगी, देखें बच्चों, इस मिक्स सर्किट की जो बैलेंस कंडीशन होगी वो होगी R1 अपॉन R2 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ठीक है, C2 अपॉन C1, ये बैलेंस कंडीशन होगी। C1 अपॉन C2 नहीं आएगा यहाँ बैलेंस कंडीशन में, क्या आएगा, रिवर्स,
सी टू अपॉन सी वन इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू. क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंसेस के लिए बैलेंस कंडीशन आप लिख रहे हैं और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है जिसको इम्पिडेंस कहते हैं वो रेसिप्रोकल होता है सी के. ठीक है, इस सी के रेसिप्रोकल होता है, कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल होता है. यहाँ से दो चैप्टर के बाद हम इसको देख रहे होंगे एसी में अल्टरनेटिंग करंट में. ठीक, तो कंडीशन जो है यहाँ ध्यान रखेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है बस, अगर मिक्स सर्किट है तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू सी टू अपॉन सी वन. तब इस फिफ्थ आर्म में कैपेसिटर कनेक्टेड हो या रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट मीटर ब्रिज. Based on the principle of Wheatstone's bridge, used to find unknown resistance of wire. लेबोरेटरी में आप प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे इसमें, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ठीक है, बच्चे ये मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, ये आप फिजिक्स के लैब में आपको जाने का मौका मिलेगा, स्कूल जब आपके खुलेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि ये आपका प्रैक्टिकल भी है. ठीक है, वुडन बॉक्स के ऊपर ये जो है हमारी, ये दो एल शेप, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये जो हैं दोनों, ये हमारी कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, दो एल शेप की कॉपर स्ट्रिप के इन बिटवीन एक कॉपर स्ट्रिप डाली जाती है टू प्रोवाइड द दीज टू गैप्स. ये दो गैप प्रोवाइड करने के लिए एक कॉपर स्ट्रिप को इस वुडन बॉक्स के ऊपर, ये तीनों स्ट्रिप्स वुडन बॉक्स के ऊपर होती हैं. ठीक है, ये एसी जो है एक वायर है, जो आप एसी देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं एसी, ये एसी इज़ अ वायर. कौन सा वायर है? ये भी आपकी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है. ठीक है, एसी इज अ 1 meter लॉन्ग वायर. 1 meter मीन्स 100 centimeter लॉन्ग वायर इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्निन. ठीक है, कॉन्स्टेंटन और मैग्निन एलॉयज हैं. आपको याद हो डिस्कशन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के शुरुआती चैप्टर्स का, हमने एलॉयज का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी देखा था. तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है ऑफ एलॉय कि टेम्परेचर के वेरिएशन पे एलॉयज का की रेजिस्टिविटी में वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, शून्य लगभग वेरिएशन होता है. ठीक है, तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के वेरिएशन से वेरी नहीं करती, इसलिए जो है यहाँ पर ये जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में, और जो हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंसेज हैं उनमें जो वायर यूज़ करते हैं हम, वो कौन सा ये वायर यूज़ कर रहे होते हैं? कॉन्सेंटन और मैग्निन के वायर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एसी जो है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है जो कि किससे बना हुआ है? कॉन्सेंटन और मैग्निन से. इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए से लेकर सी तक यूनिफॉर्म होता है, एक ही मटेरियल है पूरा ये, और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है. ठीक है, इसके नीचे ये स्केल प्रोवाइड किया गया है, क्लियर, बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करने के लिए. इस लेंथ के मेजरमेंट के लिए दो पार्ट में, लेंथ के मेजरमेंट के लिए 100 सेंटीमीटर का क्या है, स्केल है. ठीक है, अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है. यहाँ पे ये हमारा जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है. ठीक है, और एसी जो है, एसी को मैंने क्या बताया, एसी जो है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मीटर ब्रिज वायर
मीटर ब्रिज वायर इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्निन। ठीक है, किससे मिलके बना हुआ है? कॉन्स्टेंटन और मैग्निन से मिलके बना हुआ है एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मीटर ब्रिज वायर है, इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्निन एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये जो गैप है हमारा, इस गैप में वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है यहाँ से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके इस जॉकी को, ये जो एरो है, ये एरो जॉकी को रिप्रेजेंट करता है। जॉकी क्या होती है बच्चों? ये जो जॉकी जो है ये मूवेबल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, मूवेबल कनेक्शन प्रोवाइड करती है जॉकी। तो जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड कराते हैं, जेंटली स्लाइड कराते हैं इस जॉकी को इस वायर के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर रगड़ते नहीं है ज़ोर से। क्यों ऐसा? अगर हम ज़ोर से इसके ऊपर जॉकी को रगड़ रहे होंगे, इसके ऊपर घिस रहे होंगे, तो क्या होगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर सकता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने की वजह से जो रीडिंग है, जो मेज़रमेंट है, वो गड़बड़ हो सकता है हमारा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जॉकी को इसके ऊपर जेंटली स्लाइड कराते हैं। अगर बेहतर यह है कि जॉकी को अगर उठा के रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ठीक है, जॉकी को स्लाइड कराते हैं जेंटली, कब तक? तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि दिस नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, मान लो मैंने ये पॉइंट दिखाया हुआ है, वो पॉइंट डी है, जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। जब गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट नहीं गई। ठीक है, तो पॉइंट डी, जैसे ये आपका ये नल पॉइंट कहलाता है, अगर डी इज़ द नल पॉइंट, तो ये जो रेजिस्टेंस है मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ए डी पार्ट का रेजिस्टेंस और डी सी पार्ट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम देखूं, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो सर्किट के, इसके सर्किट डायग्राम को, तो आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आर कनेक्टेड है, अगर इसका सर्किट डायग्राम देखें, ये आर है, ये एस है, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और ये जो रेजिस्टेंस है आपका, ये जो रेजिस्टेंस है ए डी पार्ट का रेजिस्टेंस मैंने कितना दिखा रखा है, पी, और दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस, ये वाला जो रिमेनिंग जो पार्ट है डीसी जो पार्ट है, इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या है, क्यू, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, और यहाँ से आपकी ये ऐसे बैटरी कनेक्टेड है। तो आप जब गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट नहीं गई, तो मैंने इसके लिए सर्किट डायग्राम, करस्पॉन्डिंग सर्किट डायग्राम ये ड्रॉ किया है। ठीक है, जब ये ड्रॉ किया है कि यहाँ बी, ये डी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कौन सा सर्किट है? व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है, मीटर ब्रिज। लेबोरेटरी मेथड है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में यहाँ कोई करंट नहीं जा रही है, जब कोई करंट नहीं जा रही तो यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, व्हीटस्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आर अपॉन एस के। ठीक है, पी अपॉन क्यू हमें यहाँ से, ये पी अपॉन क्यू जो रेशियो है वो हमें इस रीडिंग से पता लग जाता है, इस लेंथ से पता लग जाता है रेशियो। कैसे पता लगता है? इसके प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल देखें सबसे पहले, प्रिंसिपल क्या है? सिंस मीटर ब्रिज वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एंड इज मेड ऑफ सेम मटीरियल, एक ही मटीरियल से बना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका थ्रू आउट यूनिफॉर्म है और मटीरियल एक ही है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ वायर, किसी भी सेगमेंट का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट. ठीक है, ये जो वायर है बच्चों, ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है. ठीक है, इस पूरे वायर की किसी भी सेगमेंट का, किसी भी लेंथ का रेजिस्टेंस आपने निकालना है. सिंस रो एंड ए आर कॉन्स्टेंट, क्यों है, क्योंकि पूरा वायर का मटेरियल एक ही है और क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट सेम है. ठीक है, तो रो एंड आर जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो किसी भी सेगमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट. तो यहाँ पे जो लेंथ है ए डी, तो ए डी जो, ए डी का जो रेजिस्टेंस है, जो ए डी पार्ट है उसका रेजिस्टेंस पी है और डी सी जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस क्यू है. ठीक है, ये ए डी पार्ट की लेंथ कितनी है वो यहाँ से मेजर कर लोगे, यहाँ से मेजर कर लोगे, ये रीड कर लोगे, तो इस ए डी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है पी वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है. इसको मैं अगर एल दिखा दूँ, सॉरी इसको मैं एल दिखा दूँ और इसको मैं क्यू ना दिखाकर, इसको मैं, ये अगर एल लेंथ है तो ये कितनी बची, 100 माइनस एल, क्योंकि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ये अगर पी है रेजिस्टेंस और ये अगर क्यू है, तो पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल के. क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 100 माइनस एल के. ठीक है, नाउ अब अगर हम इस डिस्कशन पर लेके आए, सो या नाउ पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया, एल के. और क्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 100 माइनस एल के, जो रिमेनिंग लेंथ बची. तो पी अपॉन क्यू जो रेशियो है वो आपको पता लगता है किससे, एल अपॉन 100 माइनस एल. तो पी अपॉन क्यू आपको पता लग गया कि पी अपॉन क्यू इज एल अपॉन 100 माइनस एल, यानी अगर ये आपका 35 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग कितना बचा, 65. तो पी अपॉन क्यू आपका कितना है, 35 अपॉन 65. ठीक है, नाउ बैलेंस कंडीशन लगा दें व्हीट स्टोन की, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में सॉल्व हो रहा है. नाउ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन्स P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस. ठीक है, जब आप बैलेंस कंडीशन लगाओगे ब्यूटी स्टोन की, तो P अपॉन क्यू की जगह यहाँ पे रख दो L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू, ये पुट कर दिया आपने यहाँ. ठीक है, R अपॉन S, ये आ गया आपका P अपॉन L अपॉन है, तो यहाँ से S निकल आएगा. तो आपका अननोन रेजिस्टेंस निकल आया, क्या निकल आया, देखो बच्चों, S इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर. ठीक है, ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है, ये जो नॉन रेजिस्टेंस है, आर इज द नॉन रेजिस्टेंस, आर इज द नॉन रेजिस्टेंस, 100 माइनस एल और एल, यहां से रीडिंग पता लग जाएंगे आपको. इस फॉर्मूले में रख के आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ नल पॉइंट ऑप्टेन करके, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन हो तो हमें ये रेजिस्टेंस यहां पर फाइंड आउट किया जा सकता है. इस रेजिस्टेंस को जरूरी नहीं आप इस गैप में लगाएं, अननोन रेजिस्टेंस को आप इस गैप में भी लगा सकते हैं. ठीक है, चाहे तो इस गैप में लगा सकते हैं, आर को इधर लगा सकते हैं, एस को इधर लगा, दोनों में से किसी भी गैप में लगाया जा सकता है. क्लियर है बच्चों, नाउ टू फाइंड रेजिस्टिविटी. तो आपने अननोन रेजिस्टेंस कितना निकाला, अभी निकाला हमने L 100 माइनस L अपॉन L इंटू आर, ये हमने फाइंड किया अभी. ठीक है, लेट D जो है आप लेबोरेटरी में होगे तो डायामीटर इसका मेज़र कर सकते हो. ठीक है, स्क्रू गॉज से इस वायर का डायामीटर मेज़र कर सकते हो. D जो है वो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ वायर. और L इज़ द लेंथ, लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं, L इज़ द लेंथ ऑफ वायर. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, S इज इक्वल टू रो L अपॉन A लगाओगे. अब बोलना नहीं है बिल्कुल भी, अब बोलोगी तो बाहर निकाल दूंगा. ठीक है, बच्चों को आवाज सुनाई दे जाएगी बोलने की. ठीक है, बोलेंगी, बिल्कुल नहीं बोलना है तो S इज इक्वल टू क्या बच्चों, रो L अपॉन A. तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, S इज इक्वल, रो इज इक्वल टू S A अपॉन L.
ठीक है। ए कितना होगा, ए एरिया इस पाई आर स्क्वायर, आर इज डी बाई टू, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ डाल दोगे तो आपका रजिस्टिविटी निकल के आएगी। एस की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, ये एस यहाँ उठा के पुट करो और एरिया ये उठा के पुट करो, तो जब आप ये पुट करोगे 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर एल, ठीक है। ध्यान देना ये एल, ये दोनों एल अलग अलग हैं, ये एल, दिस एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है, और ये एल जो है यहाँ पे ये बैलेंसिंग लेंथ है, पी इस ए डी पार्ट की लेंथ है, तो ये एल और ये एल दोनों डिफरेंट है, तो ऐसे आप रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है मीटर ब्रिज पे, क्या है क्वेश्चन देख लें। फिगर शोज पार्ट ऑफ अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट व्हेन रेजिस्टेंस इन टू गैप्स आर आर वन एंड आर टू, ठीक है, देन बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम एंड ए, एंड ए से जो बैलेंसिंग लेंथ है इस 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर लेंथ है, तो रिमेनिंग कितनी बची, 70 सेंटीमीटर बची, ठीक है। नाउ 10 ओम रेजिस्टेंसेज आर एडेड इन बोथ गैप्स, 10 ओम रेजिस्टेंस आर वन के साथ ऐड कर दिया और 10 ओम रेजिस्टेंस आर टू के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, सीरीज में ऐड करना है, ठीक, एडेड इन बोथ गैप्स, देन बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर। 10 ओम जब इसमें ऐड किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई, ए से 40 सेंटीमीटर हो गई। कैलकुलेट कर रहा है रेशियो ऑफ आर वन एंड आर टू, तो सबसे पहले क्या है, पहला पार्ट आर वन आर टू का रेशियो निकालना है। जब जब R1 और R2 कनेक्टेड है ओनली, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस गैप, ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, याद रखना इसी के गैप के नीचे वाला लेना है, इस गैप में नीचे वाले लेंथ लेनी है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, पहली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 30 अपॉन 70, तो रेशियो कितना आ गया R1 और R2 का, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7, ठीक है, ये रेशियो मिल गया आपको। ना बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है जब इसमें 10 सेंटीमीटर ऐड कर दो, इसमें 10 सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो इस गैप में कितना रेजिस्टेंस हो गया, R1 प्लस 10, और इस गैप में कितना रेजिस्टेंस हो गया, R2 प्लस 10 ऐड करने के बाद, तो जब 10 ओम रेजिस्टेंस ऐड किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिलती है, द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बचती है बच्चों, 60, तो क्या आएगा रेशियो, 40 अपॉन 60, ठीक है, दिस गैप अपॉन दिस गैप इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो R1 प्लस 10 अपॉन R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है, तो यहाँ से हमने R1 एंड R2 फाइंड करना है, वैल्यूज ऑफ R1 R2 यहाँ से निकल आएंगे इन दोनों की हेल्प से, तो कितना हो गया ये, 3 R1 प्लस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 R2 प्लस 20, ठीक है, तो कितना आया बच्चों ये 3R1 माइनस 2R2 इज इक्वल टू 20 माइनस 30 माइनस 10, ठीक है, यहां से उठाकर R2 की वैल्यू इसमें डाल दो, R2 कितना आएगा, यहां से R2 आ जाएगा 7 अपॉन 3 R1, इस 7 अपॉन 3 R1 को यहाँ पुट कर दो, क्लियर बच्चों, तो 3R1 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 3 R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, तो 3 3 9 9 माइनस 14 अपॉन 3 R1 इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस 5 R1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 10, तो यहाँ से आपका R1 आ गया 30 ओम 6 ओम,
R1 कितना आ गया 6 ओम, 5 टू जै 10, 3 टू जै 6। R1 को यहाँ पुट करोगे, R1 को यहाँ पुट करोगे, R2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 इंटू, इसमें डालोगे ना R1 को 6, तो ये आपका आ गया 14 ओम। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1 सो दैट द बैलेंसिंग पॉइंट इज एट मिड पॉइंट ऑफ वायर AC, कि R1 में कितना रेजिस्टेंस ऐड करें कि ये बैलेंसिंग पॉइंट AC के मिड पे मिले। ठीक है, चूंकि ये AC 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, तो अगर ये बैलेंस पॉइंट मिड पे मिला तो बैलेंसिंग लेंथ दोनों तरफ कितनी हो गई, 50-50 हो गई। मान लो इसमें जो रेजिस्टेंस ऐड करना है वो x वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करना है, जब इसमें मैं x ऐड कर दूंगा इस गैप में तो रेजिस्टेंस कितना हो गया लेफ्ट गैप में, R1 प्लस x, लेट x टू बी एडेड इन दिस गैप R1। ठीक है, कह रहा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1 सो दैट द बैलेंसिंग पॉइंट इज एट मिड पॉइंट ऑफ वायर AC। मान लो ये ऐड करने पर R2 में कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये ऐड करने पे, x ऐड करने पे बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो मिड पे मिलता है, तो अगर मिड पे मिलता है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन 50, ये रिलेशन बनेगा। अब R1 और R2 आपने यहाँ से निकाल रखे हैं, R1 को यहाँ से उठाओ 6 प्लस x अपॉन 14 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 6 प्लस x इज इक्वल टू कितना 14, x इज इक्वल टू 8 ओम, तो 8 ओम टू बी एडेड इन विद R1। ठीक है, जब R1 में इतना 8 इतना जोड़ दोगे तो आपका जो बैलेंस पॉइंट है कहाँ जाके मिलेगा, मिड पे मिलेगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अगली क्लास में देखते हैं।